पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। साथ ही सभी पार्टियों ने अपनी जीत का दावा भी किया है। मुरादाबाद जनपद के भगतपुर ब्लॉक वार्ड 36 से बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी शाकिर अली अंसारी ने वार्ड के कई क्षेत्रों में जनसंपर्क किया और नुक्कड़ सभाएं भी की। इस दौरान स्थानीय नागरिकों द्वारा वार्ड 36 से प्रत्याशी शाकिर अली अंसारी का सभी ग्रामवासियों ने फूलमालाएं पहनाने के साथ जोरदार स्वागत भी किया। जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामवासियों का यह कहना था कि शाकिर अली अंसारी हमारे बीच के हैं और हमारी समस्याओं को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हमें आशा ही नहीं वरन पूरा विश्वास है कि ये हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामवासियों को पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए पूरे ग्रामवासी शाकिर अली अंसारी को अपना पूरा समर्थन देंगे। ये बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे और कामयाबी रहेगी इनकी और मतलब अच्छा काम करेंगे। क्या सपोर्ट रहेगी आप लोग? हमारे सपोर्ट बहुत बुर रहेगी इनके साथ। गांव में जा रहा है, कैसा इनको समर्थन मिल रहा है? खूब मिल रहा है, इंशाल्लाह मिलता रहेगा। ये रखड़ा चेक है जिम्मा वाली में। ये शाकिर भाई चुनाव लड़ रहा है वार्ड 36 से, क्या कहना चाहते हैं? बढ़िया मामला है इनका, सभी लोग जानकारी के हैं, अच्छे वोटों से जीत होगी। आपका कैसा समर्थन है? मेरा समर्थन बढ़िया है इनके साथ। कैसी, ये अगर जीतते हैं तो काम करेंगे क्षेत्र का? काम क्या नहीं, पुरानी जानकारी है, काम तो बिना राजनीति के भी सही कर लेंगे। तो गांव में कैसा लग रहा है समर्थन आपसे? समर्थन इनका सही है, बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है। आप लोगों का भी ये सब? बिल्कुल सबका है। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए शाकिर अली अंसारी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का पूरा समर्थन मुझे मिल रहा है और वार्ड 36 के सभी क्षेत्रों से मुझे पूरी मदद भी मिल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले मतदान में सभी लोग मेरा समर्थन करेंगे। भाई साहब, आज हम यहाँ बेरखड़ा चक जुम्मा वाली मिलक के मंजरे में हैं। जुल्फी प्रधान के यहाँ हमने एक मीटिंग की है और अपने वोटों के लिए अपील की है। कैसा समर्थन? समर्थन तो इंशाल्लाह भरपूर मिल गया है। पूरे वार्ड 36 के सभी गांव से हमें हिंदू मुस्लिम सारे लोग वोट दे रहे हैं और दिलवा रहे हैं। किस मुद्दों को लेकर चुनाव होता है? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि विकास के जो मुद्दे हैं, जो काम अधूरे पड़े हैं, वो काम नहीं हुए हैं। इंशाल्लाह अगर जनता ने हमें जिताया तो वो काम सबसे पहले हम, जैसे कि पुलिये हैं, नल हैं, खरंजे हैं, RCC के रोड हैं, ये सारे हम काम कराएंगे। और जनता के बीच में जब हम चुनाव नहीं लड़ रहे थे तब भी जनता के बीच में रह के जनता के काम कराए हैं, सुख दुख में लोगों के काम में आए हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव होते हैं। यही मुद्दा है, किसी में छोटी मोटी भाइयों में घपला हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो उनमें हमने हमेशा आपस में बैठ के फैसले कराए हैं, थाने तक नहीं जाने दिए हैं। और यही हमारा मुद्दा आगे भी रहेगा और आज भी यही मुद्दा है कि हम आपस में भाइयों को दिल मिलाते हैं, दिल तोड़ते नहीं हैं, यही हमारा मुद्दा है। आज यहाँ प्रधान जी का आया था, कैसा? प्रधान जी ने हमें बहुत अच्छा तहे दिल से समर्थन दिया है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे।